कोरोना के केसों में पाई गई राहत। देश भर में पिछले 24 घंटों में 40,000 से कम हुए केस, 219 मरीजों की गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया बड़ा ऐलान, दिवाली पर अयोध्या में जलाए जाएंगे 7.5 लाख मिट्टी के दीपक। मनी लॉन्ड्रिंग केस में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ लुकआउट नोटिस किया गया जारी। खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 में दिव्यंका त्रिपाठी फिनाले में पहुंचने वाली पहली कंटेस्टेंट, सभी लड़कों को दी मात। शेयर बाजार में शानदार तेजी, सेंसेक्स 58,000 से हुआ पार। काबुल में एक गर्भवती महिला को घर से घसीटा गया, चेहरे पर मारी लात, अधमरी होने पर पति और बच्चों के सामने मार दी गई गोली। बिग बॉस के मंच पर भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह और मिलिंद गाबा हुए बाहर, करण जौहर ने लगाई फटकार। बॉलीवुड में दस्तक देने वाली एक्ट्रेस राधिका मदान लद्दाख में वेकेशंस के दौरान झरने के तेज पानी के नीचे मेडिटेशन करती आई नजर। सोने चांदी के रेटों में लगातार उतार चढ़ाव पाया गया, लगभग 8,700 रुपए सस्ता हुआ गोल्ड। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की निशुल्क तीर्थ यात्रा, हर महीने के आखिरी हफ्ते में जाएगी बस।